हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स के चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम बोलेंगे MSL। MSL हम लोग आज लोग पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन में जो मोशन करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको पढ़ेंगे एक्चुअली कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है क्या, है ना। तो बिल्कुल बहुत इजी वर्ड में आपको इसी समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन मतलब कैसा हो गया, किसी एक डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो पहली चीज ये समझे कि टाइप्स ऑफ मोशन हो कितने सकते हैं, मतलब मोशन के टाइप्स कितने हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं पहले ये बताऊं आपको कि मोशन क्या होता है। हमें ये बताए कोई कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, मोशन होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कहने की बात यह है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में अगर समय के साथ परिवर्तन आता है तो हम बोल सकते हैं उसमें गति है। मतलब द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये पिंकू है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट दैट आई विल यूज एन ऑब्जेक्ट एज टिंकू, है ना। तो टिंकू जो होगा वो टिंकू मोशन कर रहा है, तो टिंकू जो है वो T1 टाइम पे इधर था और T2 टाइम पे जो टिंकू है वो यहाँ पे आगे खड़ा हो गया पिंकू के पास में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी पोजीशन में चेंज आया टाइम के साथ, तो ये मोशन कर रहा है। थोड़ी देर बाद इधर था, फिर T3 पे, थोड़ी देर बाद और कहीं जाएगा भाई, चलता फिरता रहता है, आवारा है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे आ गया तो चेंज इन पोजीशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, एक और चीज समझ में आ रही है, क्या ये जो चेंज आ रहा है क्या वो एक ही डायरेक्शन में? हाँ सर, एक ही डायरेक्शन में। तो ये यूनिडायरेक्शनल हुआ, कैसा हुआ सर? यूनिडायरेक्शनल हुआ, मतलब आप ये बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो यूनिडायरेक्शनल मोशन है या जो वन डायरेक्शनल मोशन है, वन डायरेक्शनल मोशन है, ये जो वन डायरेक्शनल मोशन होता है ये वन डायमेंशनल भी होता है। वन डायमेंशनल सर, क्या बात बोल दी आपने, क्या बात बोल दी, वन डायमेंशनल भी होता है। हाँ, वन डायमेंशनल होता है मतलब किसी एक डायमेंशन में जा रहा है, किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, किसी एक दिशा में जा रहा है। तो वो जो सारे वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, उसको हम बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। भाई चेंज नहीं हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझो। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझे, तो मैंने बोला ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लो आप, एक्स वाई जेड भी ले लो। तो अगर इसका जो मोशन है किसी भी का, टिंकू का ही हम एग्जाम्पल ले लें, अगर ये टिंकू जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक्स ही एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, SLM कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, है ना। अब एक और मोशन होगा, ये तो हो गया। अब मोशन के टाइप में पहला मोशन क्या पता पड़ा मुझे, स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा पता पड़ा, स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा सर, इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, वो नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन। इसको एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा, अब देखो वन डायमेंशनल मोशन हो गया, तो इसका भी टू डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है। टू डायमेंशनल मोशन कैसा मोशन सर, टू डायमेंशनल मोशन कैसा मोशन। सेकंड, पहला हमने देखा स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या देखा, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड मोशन क्या हो गया, अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, तो सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा भाई, टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। डायमेंशनल मैं नहीं लिख रहा हूँ वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसको स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन से याद रखें, और फिर हम लिख देंगे उसको थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मतलब आप समझ ही गए होंगे भाई कि अगर दो डायरेक्शन में जा रहा है तो टू डायमेंशनल मोशन, तीन डायरेक्शन में जा रहा है थ्री डायमेंशनल मोशन। मगर इनको समझेंगे टू डायमेंशनल मोशन कब और थ्री डायमेंशनल मोशन कब, एक एग्जांपल से समझेंगे, है ना। अब टिंकू से ही समझेंगे, बिल्कुल टिंकू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। अब ये सीधे जा रहा था, किसा जा रहा था, सीधे जा रहा था। अब हुआ क्या, टिंकू की लड़ाई हो गई, टिंकू की लड़ाई हो गई, और जिससे लड़ाई हुई उसने टिंकू के सर पे मार दिया डंडा। अब टिंकू के सर पे मार दिया डंडा तो आ गया टिंकू को चक्कर, और टिंकू को जब चक्कर आ गए, सपोज कीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा था पहले, टिंकू की लड़ाई हुई, टिंकू अब दो डायरेक्शन में मूव करने लगा, कभी इस तरफ जा रहा है, 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 इसको चक्कर आ रहे हैं ना, तो कभी वो इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, कभी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है,
तो आप ये समझ भी लीजिए कि अगर ये प्लेन में किसी एक प्लेन में मोशन कर रहा है, वो प्लेन क्या हो सकता है, एक्स प्लेन और जेड प्लेन, भाई कभी वो इस तरफ भी मोशन कर रहा है, कभी वो इस तरफ मोशन कर रहा है, तो ये जो दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ये एक मोशन इन प्लेन है, एक प्लेन है, प्लेन है, ये प्लेन है, बोर्ड भी एक प्लेन है, एक्स डायरेक्शन बाय डायरेक्शन, दो जब कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु जब मोशन करती है, दो डायरेक्शन में मोशन करती है, तो मोशन क्या कहलाता है, मोशन इन प्लेन कहलाता है या टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तो अब टू डायमेंशनल मोशन का एक और नाम क्या समझ में आया, टू डायमेंशनल मोशन का एक और मोशन नाम समझ में आया, वो नाम क्या था, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। बच्चों प्यारे बच्चों ये चैप्टर है, ये सारे चैप्टर है, एक चैप्टर हमारे पास में मोशन इन लाइन है ना, लाइन स्ट्रेट लाइन मोशन है, दूसरा हमारा मोशन इन प्लेन है, टू डायमेंशनल मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है ये समझे। अब देखिए आप थ्री डायमेंशनल मोशन, हम टिंकू को ही लेंगे, किसको लेंगे, टिंकू को लेंगे, क्या समझने के लिए, थ्री डायमेंशनल मोशन, ओके सर ले लीजिए टिंकू को। अब देखिए आप, तो भाई टिंकू फिर अगले दिन आया और टिंकू खाना वाना खा के आया एकदम घर के एकदम तरीके से आया। अब टिंकू ने क्या किया, भाई उसको दोबारा लड़ाई के लिए ललकारा, तो अब टिंकू ने क्या किया, टिंकू ने ये हमारा टिंकू है, ये हमारे टिंकू है, ये समझ लीजिए टिंकू है, तो टिंकू ने इसको पकड़ा और उठा के इसको फेंक दिया, और इसको जब फेंका उठा के टिंकू को, तो टिंकू हवा में जा रहा है, भाई टिंकू कहाँ जा रहा है, हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, इस तरीके से ये टिंकू हवा में उड़ता जा रहा है। तो आप एक बात समझिए कि अगर कोई चीज हवा में उड़ती हुई जा रही है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, कि वो जेड डायरेक्शन में जा रहा है। टिंकू अगर उड़ रहा है तो टिंकू किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो जब क्या पता हो आपको कि कोई चीज उड़ रही है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी डायरेक्शन में जाकर के गिर सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, क्या है भाई, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। कोई मक्खी ले ली मैं, आपने मक्खी देखी, मक्खी सबने देखी भाई, इंडियंस ने तो देखी होगी, घरों में मक्खी मिलती है सबके, है ना, ज्यादातर गर्मियों में मिलती है, तो जो मक्खी होती है वो मक्खी कहीं भी उड़ सकती है, सपोज कीजिए ये मक्खी है तो कभी यहां होगी यूं भी होगी ऐसे भी उड़ेगी, है ना। तो ये जो मोशन है उसमें दोनों तरह के मोशन आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में आगे भी जा रही है भाई, उसके बाद में वो इस डायरेक्शन में जेड में भी आ रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है, तो वाई में भी जा रही है ना जी। तो इस तरह का जो मोशन है वो आपका कैसा मोशन कहलाता है, थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है, ओके सर थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है, ओके सर बहुत अच्छी बात है, अच्छा ठीक है। अब इसको देखेगा कौन, मोशन को देखेगा कौन, भाई मोशन हो रहा है, सपोज कीजिए ये टिंकू है, ठीक है टिंकू जा रहा है, टिंकू जा रहा है ना, तो इसको कोई देख भी रहा होगा, उसकी मम्मी देख रही कहाँ जा रहा है, उसकी मम्मी देख रही उसको कहाँ जा रहा है। तो जो मम्मी है उसकी मॉम है, उसकी जो मॉम है, और ये हमारा टिंकू है, टिंकू जा रहा है, मम्मी देख रही कहाँ जा रहा है, भाई जहाँ जा रहा है वही तो नहीं जा रहा है, मतलब जहाँ उसको भेजा वहां जा रहा है कि कहीं और जा रहा है। तो अब इस केस में जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या होता है, वो एक फ्रेम की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, फ्रेम की तरह, फ्रेम की तरह। आप पिक्चर देख रहे हो, आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में कुछ कुछ चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो, तो आप फ्रेम की तरह काम करोगे, किसे काम करोगे, फ्रेम का। ये फ्रेम का कंसेप्ट बहुत आता है यहाँ पे। तो फ्रेम जो ऑब्जर्वर होता है उसको बोलते हैं फ्रेम, जो चीजों को देखता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट होता है जो मोशन कर रहा है। अब देखिए इस तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो फ्रेम जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो मम्मी भी जो देख रही है टिंकू को वो स्टेटिक हो, स्टेटिक हो इसका मतलब रुकी हुई हो, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपकी जो मोशन है, जो फ्रेम ऑफ मोशन है वो स्टेटिक भी हो सकती है, और हो सकता है मम्मी जो हो वो खुद मोशन में हो, तो हम बोल सकते हैं कि भाई कोई डायनामिक फ्रेम है। कैसी फ्रेम है आपकी, डायनामिक फ्रेम है, मोशनल है। एक और नाम से इसको बोला जाता है, या तो इनर्शियल फ्रेम होगी, कैसी होगी, इनर्शियल फ्रेम होगी, या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी, क्या होगी भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी, बहुत अच्छी बात है। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शिया का मतलब कैसा होना, जड़त्व होना, जड़त्व हिंदी वालों के लिए भाई, इनर्शियल मतलब जड़त्व होना, किसी चीज का रुका हुआ होना, जड़ बुद्धि बोलते हैं ना किसी को, जब इसकी बुद्धि काम नहीं करती, रुकी हुई रहती है, ठेठ ठस्सम ठस्सी वाला,
तो वैसे ही रुका हुआ है ना। तो मम्मी अभी कैसी है, इनर्शियल है ना। तो मम्मी कौन हो गई, ऑब्जर्वर हो गई, स्टेटिक है। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, दो तरह की फ्रेम होगी। अच्छा सर, मतलब आपका कहने का, अच्छा ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में पता है आपको क्या हो सकता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में दोनों मूवमेंट में होंगे, ऑब्जर्वर भी और ऑब्जेक्ट भी, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि मोशन जो है वो किस तरह का मोशन है, रिलेटिव मोशन है नॉन रिलेटिव मोशन है, है ना, ये भी हमको देखना। अब एक और चीज समझिए आप, रिलेटिव मोशन और नॉन रिलेटिव मोशन क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात बोल दी सर आपने, रिलेटिव मोशन और नॉन रिलेटिव मोशन क्या होता है, ये क्या होता है, ये नॉन रिलेटिव मोशन हम समझेंगे। टिंकू है, हमारा टिंकू बहुत काम का है भाई, कैसा भी हो, आवारा हो, मगर बहुत काम का है। देखिए आप, ये टिंकू और ये टिंकू की मम्मी, ये टिंकू और ये टिंकू की मम्मी। तो अब देखिए, बहुत अच्छी बात है, टिंकू दौड़ लगा रहा है, मम्मी खड़ी हुई है, टिंकू दौड़ लगा रहा है, मम्मी खड़ी हुई है, देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, स्टैटिक फ्रेम है, स्टैटिक फ्रेम है भाई, नॉन रिलेटिव मोशन है। कैसा मोशन है, नॉन रिलेटिव, ये तो मोशन में है ना, ये तो मोशन में है, ये कैसी है, स्टैटिक है, कैसी है, स्टैटिक है ना। तो अब क्या हो गया, ये नॉन रिलेटिव मोशन कहलाता है, क्या कहलाता है, नॉन रिलेटिव मोशन, नॉन रिलेटिव मोशन, नॉन रिलेटिव मोशन, है ना। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। दूसरा होता है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन में भी आपको नॉन इनर्शियल मोशन देखने को मिल सकता है। देखो नॉन रिलेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो सकती है, कैसे, सपोज कीजिए, सपोज कीजिए कि पता चला मम्मी को कि टिंकू को जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहा है, कहीं और जा रहा है ये, तो मम्मी ने पीछा करना चालू किया टिंकू का, है ना। तो अब मम्मी भी क्या है, दौड़ लगा रही, मम्मी भी किस में आ गई, मोशन में आ गई, और मम्मी की स्पीड और टिंकू की स्पीड दोनों की स्पीड सेम है, सेम डायरेक्शन में। तो मम्मी के लिए ये जो टिंकू होगा और टिंकू के लिए जो मम्मी होंगी वो दोनों कैसी होंगी, स्टैटिक, एक दूसरे को देख पा रहे होंगे एक बराबर स्पीड में। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये जो इनर्शियल फ्रेम है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम की तरह ही काम करेगा। मतलब इनका रिलेटिव मोशन जो है वो जरूर रहा है, एक ही डायरेक्शन में। तो ये जो फ्रेम है इस टाइम पे, ये भी इनर्शियल की तरह काम करेंगी, है ना। वो इसके लिए, क्योंकि ये तो एकदम बराबर दिख रहे हैं ना सामने एक दूसरे के, इनर्शियल फ्रेम होगी, है ना जी। अब समझिए इस बात को। तो डिपेंड करता है कि रिलेटिव मोशन किस तरीके का, आपका मोशन किस तरीके का, दोनों चीज का, ऑब्जर्वर का और ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके का, है ना जी। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, और किस पे डिपेंड करती है, तो ऑब्जर्वर पे, देखने वाले के ऊपर, है ना। तो ये दो चीजें थी, दो कंसेप्ट थे जो हमने आज डिस्कस करे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझा, थोड़ा थोड़ा समझा, आगे हम वो समझेंगे वीडियोस में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।